वेलकम वाई एन कंप्यूटर में आप सभी का स्वागत है। स्टॉक का भरमार है, आप सभी देख सकते हैं, लैपटॉप की कोई कमी नहीं है। और लैपटॉप अभी गर्मी का टाइम के कारण, लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, देख सकते हैं मेरे पीछे डेस्कटॉप, ठीक है, यहाँ डेस्कटॉप, ठीक है। तो डेस्कटॉप लैपटॉप का कोई कमी नहीं है, बहुत सारा डेस्कटॉप है, बहुत सारा लैपटॉप है सेकेंड हैंड, 6000 से लेकर के डेस्कटॉप 6000 से लेकर के 15000 तक का या फिर 25000 तक का, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना ऊपर जाना चाहते हैं। तो बहुत सारा स्टॉक है, स्टॉक की कोई कमी नहीं है। और ये कमी इसलिए नहीं है क्योंकि अभी मार्केट स्लो है, इसी कारण मैं वीडियो डाल पा रहा हूँ कि मैं अभी फ्री हूँ, और फ्री होने के कारण मैं थोड़ा वीडियो डाल पा रहा हूँ। अदरवाइज 2-3 महीने होने जा रहे हैं मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा है। और मैंने पहले ही बोला था मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, तो मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं समय समय पर मैं कोशिश कर रहा हूँ निकाल समय निकाल करके। अब एक ही मैटर पर बार बार वीडियो बनाना सही नहीं लगता है, आप जानते हैं कि मेरे पास लैपटॉप डेस्कटॉप और कंप्यूटर ये सब सेकंड हैंड है, प्लस मोबाइल भी सेकंड हैंड आ चुका है काफ़ी कुछ। तो जब सब कुछ है जानते हैं तो आपको जो भी चाहिए वो डायरेक्ट दुकान में आकर के इंक्वायरी कीजिए। और जहां तक रूल्स रेगुलेशन की बात है तो मैं रूल्स रेगुलेशन बता दे रहा हूं फिर से कि लैपटॉप में डेस्कटॉप हो या मोबाइल हो, 10 डेज की टेस्टिंग वारंटी आप लोगों को मिलेगी। 10 डेज अंदर अगर कोई दिक्कत आता है तो वारंटी हो या ना हो आप ला करके रिटर्न करके दूसरा प्रोडक्ट ले जा सकते हैं, ये क्लियर है। दूसरी चीज़ है वारंटी, 1 मंथ वारंटी हो या 1 ईयर वारंटी हो, वारंटी आपको केवल मिल रही है मदरबोर्ड हार्ड डिस्क रैम प्रोसेसर पे, ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बार दोबारा शॉप का एड्रेस को समझ लीजिए सही से। रामनवमी का टाइम था जब मैं ये वीडियो बनाया था एड्रेस को लेकर के, ताकि क्लियर सारा खाली खाली रहे तो सब कुछ सही सही दिखे। तो चलिए थोड़ा बैक में और देखते हैं शॉप का एड्रेस। बहुत दिनों के बाद रामनवमी के शुभ अवसर पर आज वीडियो बना रहा हूँ मैं, बहुत दिनों के बाद। देख सकते हैं मेरे दुकान के आसपास का एरिया, ये पिनरमा भवन, पूजा स्वीट, और ये बगल में बालाजी मोबाइल, ये .com, कोना में .com, ये साक्षी गोलचक्कर, शीतला मंदिर गोलचक्कर, ये सब देखिए। और हमारे दुकान का रास्ता ये आइस पॉइंट, ठीक है, और ये हमारा सेकंड हैंड लैपटॉप का शोरूम, ओल्ड लैपटॉप शोरूम, ओल्ड मोबाइल एंड ओल्ड डेस्कटॉप। तो ये शोरूम एरो मार्क उस तरफ देखिए, वहाँ पर ये है हमारा शोरूम, दिख रहा है। तो चलिए दुकान चलते हैं और दिखाते हैं क्या क्या स्टॉक में आया है और दुकान में क्या क्या चेंजिंग हो चुका है। चलिए ये रहा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को एड्रेस क्लियर क्लियर समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, साक्षी आम बगान नियर शीतला मंदिर, पूजा स्वीट के ऑपोजिट आइस पॉइंट, याद रखिए पूजा स्वीट के ऑपोजिट आइस पॉइंट, आइस पॉइंट कोल्ड ड्रिंक दुकान का 3 दुकान पीछे हमारा शॉप है YN कंप्यूटर। तो आगे बढ़ता हूँ मैं, स्टार्ट करते हैं हम इन छोटे छोटे सीपीयू से, बहुत ही कमाल के सीपीयू हैं ये सब, और सारे कॉर्पोरेट मॉडल हैं, याद रखिए सारे कॉर्पोरेट मॉडल हैं, और इनका प्राइस लगभग स्टार्ट होता है 50-60 हज़ार से ऊपर से स्टार्ट होता है। और जहाँ इन बड़े सीपीयू की तुलना में, असेंबल्ड सीपीयू की तुलना में अगर की जाए तो ये एचपी और डेल की ब्रांड है, पहले एक ब्रांड का एडवांटेज मिलता है, ऊपर से अगर ये कॉर्पोरेट मॉडल हो तो और सुपर एडवांटेज मिलता है। तो प्राइस की बात की जाए तो जहाँ ये नया में 50-60 हज़ार से स्टार्ट होता है, वहाँ आपको अभी कॉर्पोरेट मॉडल में, रिफर्बिश मॉडल में अगर आप लेते हैं इस मॉडल को, तो ये सब 10 हज़ार से स्टार्टिंग हो जाता है। i3, i5, i7 किसी भी वेरिएंट में ले सकते हैं आप इसे, स्टार्टिंग प्राइस 10,000 से ये स्टार्ट हो जा रहा है। कम रेंज की डेस्कटॉप की बात की जाए सीपीयू की, तो ये सब सीपीयू देख रहे हैं जो आपको 3,500, 3,500, 3,500, 6,000 इसलिए क्योंकि 6 महीना वारंटी है। ये सब डुअल कोर में है, ये सब डुअल कोर 2 GB रैम में है, 4 GB रैम में i3 है जो कि 7,500 जा रहा है, 4 GB रैम, 320 GB हार्ड डिस्क के साथ 7,500 रुपया। अगर अब इसके साथ 3,500 प्लस 2,500 मॉनिटर में लगा सकते हैं, 2,500 का मॉनिटर, 4,000 का मॉनिटर, मॉनिटर अलग अलग रेंज का है, आपको कॉम्बिनेशन में अगर अलग से केवल मॉनिटर खरीदना चाहेंगे तो ये मॉनिटर का ही 3,000 पड़ जाएगा, ठीक है। अगर नया मॉनिटर खरीदना चाहेंगे तो नया मॉनिटर भी 3,500 में आ जा रहा है। तो एक तरफ से आप मिनिमम 6,000 से एक कंप्लीट सेटअप ले सकते हैं, 6,000 से स्टार्टिंग। तो चलिए हम लोग देखते हैं आप लैपटॉप की तरफ, लैपटॉप में कम से कम कितना रेंज से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सारा लैपटॉप जो दिख रहा है ये कम रेंज का लैपटॉप, कम रेंज से लेकर के बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे हम लोग। तो ये जो दिख रहा है ये सारा, इसके बारे में मैंने बता चुका हूँ, लेकिन अभी धीरे धीरे कम रेंज से स्टार्ट करता हूँ पहले। तो ये सबसे पहले 5,000 रुपया, बहुत कोई आते हैं 5-6 हज़ार में लैपटॉप चाहिए, 5,000 में लैपटॉप नहीं मिलता है, याद रखिए। इसका क्या कंडीशन है, केवल डिस्प्ले आता है ये, ना ही बेचारे का कीबोर्ड काम करता है, ना ही ढंग से स्क्रीन आता है, लेकिन स्टार्ट भी होता है, काम भी करता है, लेकिन डेस्कटॉप के अलावा ये और कुछ नहीं है,
ये एक जीता जाता जीता जागता डेस्कटॉप बन के रह गया ये, क्योंकि इसमें कीबोर्ड भी आपको लगाना पड़ेगा और अडेप्टर लगा के ही पावर लगा के ही चलाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये 5000 से सीधा 8000 की तरफ बढ़ते हैं। सब कुछ बेहतर है, बैटरी बैकअप से लेकर के हर कुछ बेहतर है, परफॉर्मेंस अच्छा है, 2GB रैम एटम प्रोसेसर के साथ है, 320GB हार्ड डिस्क, ये 8000 से स्टार्ट हो जा रहा है, जो कि 5 घंटा 4 घंटा बैटरी बैकअप भी देता है। ये भी 8000 है, इसकी खासियत केवल स्क्रीन बड़ी है, बाद बाकी यानी कि शरीर बड़ा और खोपड़ी छोटा, खोपड़ी उतनी अच्छी नहीं है, यानी कि ड्यूल कोर प्रोसेसर है, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में कुछ खास नहीं है, ठीक है, इसके इक्वल बोल सकते हैं, इसीलिए प्राइस इसका भी 8000 है। बैटरी इसका नया बैटरी डाला हुआ होगा या फिर बैटरी बैकअप में थोड़ा कंप्लेन आ सकता है। तो आगे ये 10000 रुपया कंडीशन तो देखने में ऐसा लग रहा है जैसे नया ही है, लेकिन फिलहाल इसका रिक्स में है, ये रिक्स का अंडर रिक्स में है, ये अभी किसी भी लैपटॉप कभी भी हम लोग इसको कस्टमर को अगर देते हैं तो बता देते हैं कि भैया 10000 के अंदर आप कोई भी लैपटॉप लीजिएगा तो रिक्स रहेगा ही रहेगा, लेकिन फिर भी मैं 10 डेज का सपोर्ट दे रहा हूँ, अगर आप चाहें तो इसको एक्सचेंज करके दूसरा लैपटॉप ले सकते हैं। तो यहाँ ये एकदम रिक्स कवर नहीं है, चूँकि मैं बोल रहा हूँ बार बार कि ये चीज़ जो है कॉर्पोरेट मॉडल है, कॉर्पोरेट मॉडल होने पर टेंशन नहीं, सबसे सस्ता में अब आना शुरू हो चुका है। तो ये जहाँ ये लॉकडाउन से पहले 10000 में आता था वहाँ अभी ये 12000, तो चलिए कम से कम रेट कुछ तो कम हुआ, 12000 में अब ये आना शुरू हो गया है। अब 1 ईयर वारंटी में इसको भी ले सकते हैं, ये 15000 में इसको 1 ईयर वारंटी के साथ ले सकते हैं, डुअल कोर 4GB रैम 320GB हार्ड डिस्क के साथ। ये i3 है, ज़्यादा नहीं 13000 का, लेकिन फिलहाल वारंटी के रूप में इसमें 10 डेज टेस्टिंग वारंटी मिलेगा, क्योंकि ये कस्टमर यूज लैपटॉप है। ये 14000 है i3, ये i3 है 500GB हार्ड डिस्क के साथ। तो ये लैपटॉप सब जो है थोड़ा कम रेंज के लैपटॉप हैं। आगे बढ़ता हूँ मैं, ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा लैपटॉप है, एक गेमिंग पर्पस का लैपटॉप है, अगर आप गेम भी खेलना चाहते हैं और अपना काम भी करना चाहते हैं तो बहुत बेहतर लैपटॉप है। 256GB SSD और 8GB रैम के साथ, 256GB SSD 8GB रैम के साथ मात्र 19000 रुपये में। याद रखिएगा अगर वन ईयर वारंटी चाहिए तो 3000 रुपये बढ़ जाता है, इसी तरह से इसमें 6 मंथ वारंटी बढ़ता है, तो 6 मंथ वारंटी चाहिए तो ये लैपटॉप में 3000 रुपये बढ़ जाएगा, इसमें 1 ईयर वारंटी मिलता है, तो ये भी 19000 में है और ये भी 19000 रुपये में है। तो ये AMD प्रोसेसर के साथ है, 256GB SSD 8GB रैम, लेकिन ये 4GB रैम और 500GB हार्ड डिस्क के साथ है 19000 में, ठीक है। तो इसमें अगर आपको वारंटी बढ़ाना है तो 3000 रुपये लगाइए, यानी कि 22000 में आपको 1 ईयर वारंटी के साथ हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि जितने भी लैपटॉप देख रहे हैं इन सभी में आपको अगर 1 ईयर वारंटी लेनी है तो 3000 रुपये बढ़ाना पड़ता है, ठीक है, 3000 रुपये बढ़ाइएगा तो आपको 1 ईयर वारंटी मिल जाएगी। और 1 ईयर वारंटी में क्या दे रहा हूँ मैं, तो केवल मदरबोर्ड हार्ड डिस्क रैम पे 1 ईयर वारंटी जो मैं दे रहा हूँ मदरबोर्ड हार्ड डिस्क रैम पे। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप लोग के लिए सही है और कोई इसमें कोई दुविधा नहीं है, हार्ड डिस्क रैम प्रोसेसर मदरबोर्ड यही चीज़ों पे मैं गारंटी दे रहा हूँ 1 ईयर तक के लिए, 3000 रुपया मैं आपका ले करके। तो फिलहाल आप वारंटी के साथ, जैसे ये लैपटॉप ये 20000 में i5 लैपटॉप आपको 1 ईयर वारंटी के साथ आ जा रहा है, अगर विदाउट वारंटी चाहिए देखिए एकदम न्यू है फ्रेश है, ठीक है, तो ये लैपटॉप अगर विदाउट वारंटी चाहिए तो मात्र 17000 में आपको आ जा रहा है i5 लैपटॉप, मात्र 17000 में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये लेनोवो का गेमिंग लैपटॉप है, जो आपका 7th जनरेशन गेमिंग लैपटॉप है, 1TB हार्ड डिस्क 8GB रैम के साथ मात्र 25000 में। लेकिन याद रखिएगा ये कस्टमर यूज लैपटॉप है, इसी कारण इसमें मैं वारंटी के रूप में केवल 1 मंथ ही दूंगा, 1 ईयर भी नहीं दूंगा, आप 5000 भी तो मुझे दे दीजिएगा फिर भी मैं वारंटी नहीं देने वाला, तो क्योंकि कस्टमर यूज लैपटॉप में मैं वारंटी नहीं देता हूँ। कॉर्पोरेट सेक्टर, ये कॉर्पोरेट लैपटॉप है जो अभी दिखा रहा हूँ मैं, ये सारा कॉर्पोरेट लैपटॉप है, ये कॉर्पोरेट मॉडल है, CPU, तो ये सारा मैं वारंटी में दे सकता हूँ, इन सभी ये सभी कॉर्पोरेट मॉडल है, ये अनयूज्ड लैपटॉप एक तरफ से है, एकदम फ्रेश, आप नया की तरह इन लैपटॉप पे भरोसा कर सकते हैं। तो ये लैपटॉप सब में आप 1 ईयर वारंटी आराम से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं उस वारंटी के लिए आपसे 3000 रुपया ले रहा हूँ 1 ईयर वारंटी लेने के लिए, हालांकि हम लोगों को तो 1 मंथ वारंटी ही आ रहा है, ठीक है, तो 1 मंथ वारंटी आपको कोई चार्ज नहीं है, आपको सीधा सीधी 3000 रुपये घट जाता है। तो ये लैपटॉप जैसे मात्र 1 साल पुराना लैपटॉप है कस्टमर का, 128 SSD 4GB रैम डुअल कोर प्रोसेसर के साथ है ये, और 1TB हार्ड डिस्क भी है, ठीक है। तो इस लैपटॉप में आपको 19500 रेट पड़ रहा है, 19500 केवल 1 साल पुराना, ठीक है। ये लैपटॉप ये इसके बारे में मैं बताता हूँ, 12000 में सबसे कम रेट में 12000 में ये लैपटॉप, अगर इसको 1 ईयर वारंटी के साथ लें तो ये लैपटॉप हो जाता है 15000 रुपया, 1 ईयर वारंटी के साथ अगर लेते हैं इसको तो 15000 में ये लैपटॉप मिल जा रहा है, डेल लैटिट्यूड 6400। तो ये ड्यूल को कोटिड्यू लैपटॉप है, कोटिड्यू मॉडल है,
320 GB हार्ड डिस्क 4 GB रैम के साथ, ठीक है, 12,000 में केवल, बहुत कम है, बहुत जल्दी बिक रहा है, सब तेजी से खत्म हो रहा है क्योंकि बहुत अच्छा कंडीशन में। देखिए ये भी 12,000 में ही है, बहुत अच्छा कंडीशन में आया हुआ है। यहाँ पर भी और मॉडल है, करीबन 5-6 मतलब 10 पीस आया हुआ था जिसमें से अभी मेरे पास मात्र 5 पीस बच रहा है। बहुत तेज़ी से ये लैपटॉप ख़त्म हो रहा है, तो इस लैपटॉप में आप लोग जल्दी करें तो अच्छा रहेगा। ऑफिशियल यूज करने वाले लोगों के लिए मैं एक लैपटॉप लाया हूँ जो 5 पीस लैपटॉप है, ये 12 इंच का लैपटॉप, टच स्क्रीन में, 128 SSD, 4 GB रैम, इधर है 256 GB SSD और 8 GB रैम, 12 इंच का लैपटॉप है, समझे। तो बहुत अच्छा है, टच स्क्रीन में है, ये 360 रोटेट हो सकता है, आप टैब बना सकते हैं इसको फोल्ड करके, ठीक है। तो फिलहाल जानकारी से उम्मीद है मेरी जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई दुविधा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ये एक पुराना कैनन पिक्समा, ये मॉडल का आप प्रिंटर भी ले सकते हैं, सेकंड हैंड में रेडी करवा सकते हैं, ये रेडी करवाना पड़ता है प्रिंटर को, अगर सेकंड हैंड प्रिंटर भी चाहिए तो रेडी करवा सकते हैं आप। बाद बाकी मेरे बताने के लिए तो और कुछ है नहीं। दुकान में देखिए अभी सबसे कम रेट में ओरिजिनल अडप्टर 1200 में ओरिजिनल अडप्टर आपको मिल जाएगा, डेल हो या HP का हो, 1200 में ओरिजिनल अडप्टर, लेकिन ये डेल HP बिग पिन का है, मॉडल समझ लीजिएगा, कोई भी मॉडल नहीं मांगिएगा क्योंकि मॉडल का अलग अलग प्राइस होता है, किसी का 1500-1800 चल जाता है ओरिजिनल में। और चलिए मोबाइल के बारे में कुछ बता देता हूँ मैं, मोबाइल के बारे में इतने सारे मोबाइल आया हुआ है, लेटेस्ट ओल्डेस्ट सब तरह का मोबाइल आया हुआ है मेरे पास, 2500 रुपया, फिर उसके बाद ये 2000 रुपया ये मॉडल, उसके बाद ये 2000 रुपया नोकिया का, ये 3000 रुपया, तो ये सब मॉडल कुछ बहुत सारे में देखिए रेट रुट लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे इसमें लिखा हुआ है रेडमी 6 3 GB 32 GB 42 रुपये में लिखा हुआ है, तो उस पर जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उम्मीद करता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नॉलेजेबल वीडियो ला पाऊँ आप सभी के लिए। आप सभी का साथ बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट किया कीजिए, कुछ कोई दिक्कत है मुझसे तो वो दिक्कत शेयर किया कीजिए, क्योंकि आप लोग बोलेंगे नहीं तो दुकानदार समझेगा नहीं, बात यही है। दुकानदार को समझाने के लिए कस्टमर का बोलना बहुत ज़रूरी होता है। इसे ये सब लैपटॉप बहुत महंगा लैपटॉप होता है, एक महंगा लैपटॉप के बारे में बता देता हूँ, ये फुल HD लैपटॉप है, करीबन 1.5-2 लाख के आसपास का ये लैपटॉप जाता है कॉर्पोरेट मॉडल में। तो इस लैपटॉप में देखिए फिंगरप्रिंट कितना बड़ा, जैसे मोर्फो दे दिया है। तो ये लैपटॉप 35,000 में फुल HD में 1920x1080 की डिस्प्ले रेजोल्यूशन है, तो सोच सकते हैं लैपटॉप का कैपेसिटी क्वालिटी कितना ज़बरदस्त है। सेम आपका 256 GB SSD और 8 GB रैम के साथ बहुत बेहतर लैपटॉप है, तो ये 35,000 में चल जाता है 1 ईयर वारंटी के साथ। अब 1 ईयर वारंटी हटाइएगा, 3000 रुपये माइनस, 32,000 में ये हो गया, ठीक है। तो फिलहाल और कोई जानकारी मेरे ख्याल से नहीं बच रहा है। ये मॉनिटर जैसे आप 3500 में, 4000 में, 4000 अभी जा ही रहा है, 3500-4000 के आसपास ये जाएगा। आप केवल मॉनिटर लेने आइएगा तो 4000 ही रेट पड़ेगा, और अगर आप मॉनिटर के साथ CPU भी लीजिएगा तो 3500 रुपये रेट पड़ेगा, जैसे 7500 में आप एक अच्छा सिस्टम ले सकते हैं, पूरा 6000 से स्टार्ट है, मिनिमम आप 6000 में CPU में जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरी जानकारी पसंद आई होगी, और मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रमोट कीजिए मुझे, ताकि मैं आप लोगों के लिए और वीडियो ला सकूँ। थैंक यू। शायद आप लोगों को पता होगा कि एक YouTube वीडियो बनाने में बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो अगर आप लोग मेरे वीडियो से खुश हैं, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर और कमेंट जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो नहीं पसंद आया तो कम से कम आप डिसलाइक तो जरूर कर सकते हैं, मैं आपकी इस फीडबैक के लिए हमेशा आभारी रहूँगा। धन्यवाद।